लूट का माल अब तक नहीं मिला वापस, व्यापारी ने की एसपी से शिकायत। चार दिवसीय प्रवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। कमलनाथ बोले, पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में डर। सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। पांच वर्षीय नाबालिग का हुआ अपहरण, घटना के एक घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। और नॉन ट्रेड सीमेंट से बन रहे थे घर, व्यापारी संगठन ने की पुलिस से शिकायत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चार फाटक सैनिटरी हाउस के व्यापारी विवेक रघुवंशी ने अपनी दुकान का जब्त माल वापस किए जाने के लिए एस विवेक अग्रवाल से गुहार लगाई है। व्यापारी विवेक रघुवंशी का कहना है कि 27 अगस्त 2020 को उनकी दुकान में लूट हो गई थी, जिसका माल कुंडीपुरा पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। उन्हें अभी तक लूट का माल वापस नहीं मिला है, इसके लिए उन्होंने एस विवेक अग्रवाल सहित सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। वहीं एसपी द्वारा उक्त मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और कस्टमर बन के आए और 4 से 5 लाख रुपए का माल उन्होंने मेरे द्वारा निकला है, और जब मैंने उनसे पैसे मांगा तो मुझे ना ही पैसे दिए गए और मेरे साथ बार मारपीट करने लगे। टीआई साहब ने ना इनके ऊपर एफआईआर करे, ना भीमटे साहब ने इनके ऊपर एफआईआर करे। और उसके बाद पुलिस ने मुझसे कहा कि ये माल आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगा, आप 4 से 5 दिन बाद आ जाना। उसके बाद ना मुझे अभी तक माल मिला है। मेरा माल 11-11.5 लाख रुपये का था, और मैंने 4 से 5 बार इसकी शिकायत हेल्पलाइन में भी की हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। शिकारपुर हेलीपैड पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने कमलनाथ का आत्मीय स्वागत किया, जानों ने आमजन से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा आगमन के बाद मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मीडिया के एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में डर है, मतदाताओं से भाजपा डरी हुई है, इसीलिए आरक्षण कराने से बच रही है। भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वर्तमान परिसीमन के आधार पर आरक्षण नहीं कराए जा रहे। कमलनाथ ने आगे कहा, हम शुरू से ही चुनाव कराने के पक्ष में हैं, लेकिन नियमों के आधार पर। लेकिन भाजपा पंचायती राज के नियमों को भी दरकिनार कर रही है। पंचायत चुनाव के पहले आरक्षण कराना अनिवार्य है, तो फिर क्यों आरक्षण नहीं कराए जा रहे हैं? भाजपा आरक्षण नहीं कराकर प्रदेश के मतदाताओं के साथ धोखा कर रही है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां पर वे विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अगर चुनाव आज हो रहा है, आज की परिस्थितियों में, आज के आरक्षण में, आज के जो परिसमन है, उस आधार पर होना चाहिए। पर ये इनको किस बात का डर है? ये डर के कारण इस तरह कर रही है, जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सांसद नकुलनाथ बुधवार की शाम को शहर पहुंचे, जहां पर जगह जगह उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए छिंदवाड़ा आए हुए हैं। यहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ कमल कुंज में पंचायत चुनावी रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। चंदनगांव से एक 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण होने की सूचना देहात पुलिस को मिली थी। इस मामले में एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशन में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और देहात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण के एक घंटे के अंदर ही संदिग्ध आरोपी को दबोच लिया, जबकि अपहरण मासूम बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द करने के बाद पुलिस अब संदिग्ध आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। लगभग 5 वर्षीय बच्ची के उसके घर से किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक करने पर पाया गया कि एक लगभग 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची को किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती उसके घर से अपहरण करके ले जाया गया। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल मामले की छानबीन शुरू की, और तात्कालिक और प्रभावशाली विवेचना और फील्ड में की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप बच्ची को सकुशल आरोपी के पास से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है, और बच्ची सुरक्षित है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शहर में नॉन ट्रेड सीमेंट का चलन बढ़ गया है, जिसमें नॉट फॉर सेल लिखे होने के बावजूद भी इसे गवर्नमेंट ठेकेदारों के द्वारा कम दामों में बेचा जा रहा है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर आज व्यापारी संगठन के लोग कोतवाली टीआई के पास शिकायत लेकर पहुंचे। व्यापारी संघ के लोगों का कहना है कि देवरी कॉलोनी सहित शहर के अन्य इलाकों में नॉट फॉर सेल सीमेंट का उपयोग सरकारी कार्यों में नाम कर निजी कार्यों में हो रहा है, इससे लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान शासन को हो ही रहा है। उन्होंने इस मामले में दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की है। ये एक्चुअल में जहाँ पे जो सीमेंट का उपयोग हो रहा है वो नॉट पर रीसेल हो रहा है, उसका मतलब होता है कि ये सीमेंट का उपयोग सिर्फ शासकीय कार्य के लिए ही ठेकेदारों को दी जाती है और उसका उपभोग वो सिर्फ शासकीय कार्य के लिए लगा सकता, किसी प्राइवेट कार्य के लिए नहीं लगाया जाता। इस सीमेंट को लगाने से राजस्व की बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि जो बाज़ार में सीमेंट बिकता है उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में 100 रुपये बोरी का अंतर रहता है। ये किसी भी गवर्नमेंट ठेकेदार के जो नाम पे जो काम लेते हैं और उनके लिए जो सीमेंट उनको मिलती है वो सीमेंट को ये बाज़ार में बेच रहे हैं 10-15 रुपये ऊपर ले के ठेकेदार लोग, जो कायदे से देखा जाए तो पूरी तरीके से गैर कानूनी की भाषा बोल सकते हैं, गैर कानूनी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार, छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद टू व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ, इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ, चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक किया, एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें अतिक्रमण, संपत्ति कर सहित अन्य मामलों को लेकर निगम कमिश्नर द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्थानीय ELC चौक में यातायात पुलिस के द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। यातायात DSP सुदेश सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस के द्वारा पिछले 14 दिनों में 800 लोगों पर मास्क नहीं पहनने के कारण उन पर चालानी कार्रवाई की गई है, जबकि ELC चौक में सीवरेज कार्य होने के कारण यातायात पुलिस द्वारा यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी बनाई जा रही है। लगातार आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, कोविड के संक्रमण को देखते हुए मास्क की कार्रवाई भी लगातार पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। यातायात पुलिस के द्वारा ही पिछले 12-14 दिनों में लगभग 800 से ज्यादा चालान मास्क बिना मास्क के लोगों पे किए गए। चंदन गांव स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क में बुधवार के दिन अज्ञात कारणों से 3 पेड़ों में आग लग गई, जिससे पेड़ में रहने वाले पक्षियों के घोंसले इस भीषण आग की चपेट में आ गए। वहीं एक उल्लू भी आग की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे क्षेत्रवासियों द्वारा उपचार करने के बाद वन विभाग के अमले को सौंप दिया गया। आग लग गई थी अज्ञात कारणों से, तो उससे ना 3 बड़े पेड़ जल गए और उसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले वगैरह थे,
तो वो भी जल गए, वो भी बहुत वो घायल हुए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उल्लू भी था, तो वो उसके पंख जल गए थे, तो वो अपनी जान बचा के यहाँ भाग रहा था। तो कॉलोनी वालों के सहयोग से और एक आप पत्रकार भाई के मित्र आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस उल्लू को झाड़ियों के बीच जाके पकड़ के उसको रेस्क्यू किया हुआ है। बिजली विभाग के द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में बड़ी संख्या में लोग बिल का भुगतान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ आवेदकों ने बताया कि उनके द्वारा कोरोना काल के समय में बिजली के बिल का पूरा भुगतान करने के बावजूद भी उनकी राशि खाते में समायोजित नहीं की गई है। बिल में राशि समायोजित करने के लिए लोग अभी भी बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। आपने बिल कटाए थे कि नहीं? कटाया हुआ था, फिर भी ये बिल आया? जी जी, और अधिकांश लोगों को आया हुआ है, तो उसी का समाधान के लिए यहाँ आए। तो वो बोले कि अगर अभी एक मुश्त अगर आप जमा करते हो तो उसमें आपका 40% लेस हो जाएगा, और अगर किस्तों में दोगे तो 25%। मतलब बिल पटाने के बाद भी फिर से बिल आया? जी जी, बिल पटाने के बाद भी ये आया। बिल तो हमारा कंटिन्यू जमा हुआ है ना। कोरोना काल से डेली आने, हर महीने जितना भी बिल आ रहा है बिल्कुल डेली पटा रहा हूँ, और अभी पिछले महीने भी 170 रुपये पटाया हूँ, और इस महीने 13,000 रुपये बिल आया। किस बात का बिल है? और जबकि 4-5 महीने से खाली पड़ा है रूम, 5 महीने से खाली पड़ा है। जो मुख्यमंत्री द्वारा बिल स्थगित किए गए थे, उस संबंध में अभी स्थगित वाले बिल दिए जा रहे हैं, वो भी योजना के तहत। एक पे आपको 40% की छूट मिल रही है, और एक पे 25% की। जो एक मुश्त पटा रहा है उसमें आपको 40% की छूट मिल रही है, और जो किस्तों में पटेगा उसमें आपको 25% की छूट दी। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के नाम पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा शहर में मनमानी की जा रही है। स्थानीय ईएलसी चौक पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा सड़कों को खोदने के बाद इसमें सीवरेज लाइन बिछा दी गई है, लेकिन इसके बाद की स्थिति यहां पर काफी खराब है। सड़कें चारों तरफ धूल से सनी पड़ी है। सड़क मार्ग में आने जाने वाले राहगीरों को लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नियम के मुताबिक कंपनी को राहगीर परेशानी न हो इसके लिए सड़क पर पानी का छिड़काव करना था, जिससे धूल की समस्या नहीं बन पाती, लेकिन कंपनी के द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए मनमानी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।